वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लास्ट पार्ट में हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, किस तरीके का एग्जांपल जो डेली लाइफ में यूज हो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने का आसान तरीका क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, आसान तरीका क्या है, सीधी सी बात है, सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म क्लियर हो, बेसिक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि जैसे प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसे यहीं पर है, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई बनेगी कब, जैसे इसके चार पॉइंट थे, ठीक है ना, इसके बारे में चार बातें सीखी थी हमने। फिर जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स की पॉइंट होता क्या है इसके बारे में बताओ कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक टर्म का ये मतलब, लाइन क्या होती है, ठीक है ना, लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन, और लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन की भी बात की थी हमने। तो ये बेसिक टर्मों का क्लियर होना जरूरी, सीधी सी बात, बेसिक टर्मों के बारे में पता हो फिर किसी कंसेप्ट को सीखने का फायदा है, ठीक है। तो सीधी सी बात, किसी भी तरीके का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ इस कंसेप्ट में दो टर्मों का यूज किया था, एक तो डेली लाइफ, और एक साथ के साथ हम एक रूम का एग्जांपल ले रहे थे। रूम का एग्जांपल क्यों लिया, ताकि उससे क्लियर हो जाए कि डेली लाइफ में इस तरीके से, मतलब रूम का मतलब क्या है कि एक पैरेललोपाइप्ड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रूम एक पैरेललोपाइप्ड भी होता है, सही बात है ना, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और नॉर्मली रूम कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना, नॉर्मली जो रूम है वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होता है। अब साथ के साथ हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड और ये कितने तरीकों का होता है पैरेललोपाइप्ड, इसके बारे में भी सीखा था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और क्यूबॉइड कितने तरीकों का हो सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक बातें क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल की बात करो किस तरीके से, जैसे अगर इस तरीके से लिखे हम 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, सही बात है ना। अगर एक तो ये लिखाओ कि 0/something का रिजल्ट 0, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन का नाम ये है कि 0/0 का नाम होता नॉट डिफाइंड, या फिर कहो कि अनडिफाइंड। मतलब इस फॉर्म को हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ये भी पता होना चाहिए हमें, सही बात है ना, कि 0/0 ये तो सीख ली कि नॉट डिफाइंड है, लेकिन क्यों नहीं होता इस बारे में पता होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल इस चीज को सीखने का, जैसे मान लो कभी 2×3 लिखाओ, कितना रिजल्ट आता है 6, लेकिन क्यों आता है इसके बारे में बताओ। फिर उससे सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते, इसी से रिलेटेड 0/0 की बात होगी। 2×3=6, लेकिन ये 6 पता है कैसे है, इसका मतलब है 2। जैसे इस तरीके सोच लो कि दो कोई पर्सन है, ठीक है ना, दो कोई व्यक्ति है, सीधी सी बात है, और तीन कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक हमें एक ऐसा तरीका सोचना है कि दो व्यक्तियों को तीन तीन ऑब्जेक्ट देने, तीन तीन वस्तु देनी है, तो वो 6 मतलब कितनी, यहां पर इस काम की बात है कि कितनी टोटल ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, उस काम को पूरा करने के लिए कितनी टोटल वस्तुएं चाहिए, तो इसलिए 6 आता है, ठीक है। और एक और बात यहीं पर, इस 6 का दूसरा मतलब भी होता है यहीं पर, इस 6 का मतलब है जैसे दो आदमी है, तीन तीन उनको ऑब्जेक्ट देने है, तो किस तरीके से हो सकता है ये काम, जैसे मान लो पहले को 3 दे दिए, 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे को भी 3 ऑब्जेक्ट दे दिए, कोई भी वस्तु जैसे पेन ले लिया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हुए, इसका नाम 1 था, प्लस का साइन 1+1, इसी तरीके से 1+1 इस तरीके से, मतलब जो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड है ये कुछ नहीं होते एक्चुअल में, तो ये सिर्फ काम को पूरा करने का तरीका है, सीधी सी बात है। एक्चुअल में तो टर्म होती है, एक तो होती है जैसे एडिशन और एक होती है सब्सट्रैक्शन, सीधी सी बात है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये जो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड है, फिर ये यूज ही क्यों हुए, सही बात है ना, किसी भी काम को पूरा करने का तरीका। एक्चुअल में 2×3, अब ये तो सीख लिया कि 6 होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से होता है, ये बात हमें पता हो। वो चॉइस है, यहाँ पर पर्सन लेना चाहते हो या फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो या फिर कोई भी पर्सन या फिर मैन, वो चॉइस है, ठीक है ना। अब जैसे ये तो ही दो फैक्टरों के हिसाब से बात, मान लो कभी ये लिखा 2×3×5, कितना रिजल्ट आएगा इसका, 5×3, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, 30 आएगा इसका रिजल्ट। अब इसके भी दो तरीके, 30 निकालने के तरीके, मतलब इन दो की मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 कर दो तब भी रिजल्ट 30 आना, या फिर 5×3 कर दो, 15×2 कर दो तब भी रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है ना। और ये 30 किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इस बात से डिफाइन कर सकते हो कि मतलब सबसे पहले 2×3 के लिए डिफाइन कर ली, फिर इसी तरीके से इंटू में 5 और मतलब 6×5 के लिए डिफाइन कर लो, सही बात है ना, कुछ इस तरीके समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से डिवाइड होता है, फिर डिवाइड का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 4/4 लिखा, इसका रिजल्ट 1 आता है, क्यों होता है, डिवाइड का मतलब होता ही क्या है, बांटना, सीधी सी बात है। तो किस तरीके समझो कि चार चीज है, चार कोई ऑब्जेक्ट है और चार मतलब कोई पर्सन है, सीधी सी बात है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है,
बांटना को डिस्ट्रीब्यूट को डिवाइड करो, सीधी सी बात वो चॉइस रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस बात को कि मतलब चार ऑब्जेक्ट है और चार पर्सनों को देना है या फिर कोई भी ले सकते हो, वो चॉइस रहेगी, ठीक है ना। तो कितनी एक के कितने आएंगी, वन। इस वजह से इसका आंसर वन आता है, ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब सेम बात यहां पर, अब इसी तरीके से इस तरीके से इस बात को भी डिफाइन कर सकते हो फिर। तो जीरो बाई जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो का मतलब क्या, ऊपर वाली जीरो का वो चॉइस है कि पहले यहां पर कौन से चीज लेके चल रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो कि जीरो चीज है, मतलब जीरो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और जीरो ही मतलब कोई पर्सन है, मतलब ना कोई ऑब्जेक्ट ना कोई पर्सन, ठीक है, और उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना वो तो अनडिफाइंड होगा। इस वजह से होती है ये चीजें अनडिफाइंड, ठीक है ना। बेसिक टर्म में पता होनी चाहिए हमें कि कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी टर्म लिखी हो, सीधी सी बात है। सबसे पहले उसको सीखने का आसान तरीका क्या है, सीधी सी बात आसान लैंग्वेज में उसका मीनिंग देख लो, जैसे प्रोजेक्शन का मतलब परछाई। फिर थोड़ा सोचना है कि प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्शन ये यहां पर, ठीक है ना, ये बनती कब है, मतलब इसके चार पॉइंट, इतना सोचना हमें, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट की बात आ जाएगी, उसके बाद कंसेप्ट की बात, ठीक है ना। और कंसेप्ट में भी कुछ रिमार्क्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पता हो, साथ के साथ यूज कहां पर होता है, कंसेप्ट यूज कहां पर होता है। यूज तो डेली लाइफ में होगा, बस रिलेट करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। और साथ के साथ कंडीशन की, मतलब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कहां पर होता है, जैसे प्रोजेक्शन का ही है, कब होगा, जब दो पॉइंट होने चाहिए और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होने चाहिए, मतलब एलएमएन, इस तरीके से इन सभी बातों का पता होना चाहिए, तब कोई किसी कंसेप्ट के बारे में सीखने का फायदा है, ठीक है। तो अब जैसे इसी के साथ इस तरीके का एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे इस तरीके की बात सीखते हैं कि प्लस वन की पावर कुछ भी हो, लेकिन अब नॉर्मली तो ये कहते हैं कि वन की पावर कुछ भी हो रिजल्ट वन आएगा, मतलब प्लस का वन आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये बात भी नहीं होती। इस बात का भी को भी डिस्कस किया था हमने कि एक्चुअल में इस तरीके से कि प्लस वन की पावर कुछ भी हो वन आएगा रिजल्ट, लेकिन माइनस वन की पावर हो उसका रिजल्ट प्लस का वन भी आता है, माइनस वन का भी आता है। प्लस वन आएगा इवन पावर हो, मतलब जो यहां पर एन है वो इवन नंबर हो, माइनस वन जब ओड नंबर हो या फिर ओड पावर कह लो, वो चॉइस है, ठीक है ना। अब इस चीज को डिफाइन करना हो तो सही बात है ना कि वन की पावर ये तो है कि प्लस वन की पावर कितनी भी हो प्लस वन आएगा, डिफाइन करना हो तो तरीका क्या है इसके लिए, तरीका क्या है, सीधी सी बात, जैसे टू इंटू थ्री लिखते हैं सिक्स, लेकिन ये कब है, मतलब जब बेस अलग अलग हो, यहां पर तो बेस अलग अलग है ना, ठीक है ना, बेस क्या है, डिफरेंट है, मतलब जैसे टू की पावर वन है थ्री की पावर वन है, लेकिन टू और थ्री अलग अलग है, ठीक है। पावर होने का मतलब ही क्या होता है, पावर होने का मतलब क्या, जैसे प्लस वन की पावर एग्जांपल के लिए ये कह लो कि थ्री है, एग्जांपल के लिए बात सोच लो कि प्लस वन की पावर थ्री है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं वन इंटू वन इंटू वन, इस बात का मतलब जब बेस सेम हो पावर एड हो जाती है, ये सीखते हैं हम, सही बात है ना, एक्स इंटू एक्स है, इस तरीके से पावर इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर कहते हैं, एक्स इंटू एक्स क्यों होता है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी और मल्टीप्लाई में हो बेस, सही बात है ना, एक्स इंटू एक्स इस तरीके से पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब एक्स की पावर वन प्लस वन, जिसका नाम होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे सेम बात अब यहां पर कर सकते हो फिर, तो प्लस वन की पावर कुछ भी हो, जैसे तीन मान लिया एग्जाम्पल के लिए, और वन इंटू वन लिखाओ, वन इंटू वन लिखाओ, ठीक है ना। तो अब जैसे सबसे पहले तो इस वन इंटू वन का मतलब सोच लो, जो टू इंटू थ्री के हिसाब से सोचा था, किस तरीके से कि एक चीज है और एक आदमी को देनी है, तो कितने कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो एक ही चाहिए, सीधी सी बात है, एक को एक देना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट, फिर अगली इस वन की मल्टीप्लाई कर लो, इसी तरीके से ये बात वन तक चलेगी, सीधी सी बात है, कितनी भी पावर हो ये वन कितनी बार मल्टीप्लाई में लिख लो, इस वजह से रिजल्ट आता है प्लस वन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से कुछ और कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन, इनका मतलब पता होना चाहिए कि सिंपल मीनिंग क्या होता है, डेली लाइफ के अंदर इनका क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। अगर जैसे डिफरेंशिएशन की बात करें, ये होता है कटौती, मतलब कुछ ना कुछ कम होगा, सीधी सी बात है, कोई फॉर्मूला उठा के दे लो डिफरेंशिएशन का, कोई भी फॉर्मूला रिलेट कर लो इस बात को समझने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखाओ, तो क्या होता है ये पावर रूल, अब इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, फिर पावर रूल क्या होता है, ठीक है ना, कि मतलब पावर आगे, इस तरीके से याद रखो, जैसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता पावर का, फिर होगा बेस का, फिर होगा एंगल का, ये सीखी थी हमने ट्रिक याद रखने के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से कि पावर आगे, पावर में से एक, मतलब बेस तो है पावर में से कम कुछ इस तरीके से, और इंटू में बेस का, बेस क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कुछ इस तरीके से, और जो वन होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कितनी आई, टू एक्स, टू एक्स आई, सही बात। अब कोई नंबर सोच लो यहां पर, कोई भी, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है ना।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक्स की मतलब जैसे शुरू में एक्स स्क्वेयर था, ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर था, एक्स का रिजल्ट मान लो कि थ्री के लिए चेक करना चाहते हैं, तो थ्री का स्क्वेयर 9 था शुरू में रिजल्ट, ठीक है। बाद में डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या हुआ, 2x, x तो फिर भी वही है 3, तो रिजल्ट आया 6, मतलब कुछ ना कुछ कम हुआ, ठीक है ना, 6 छोटा है 9 से, सीधी सी बात है, इसलिए कटौती हुई, डिफ्रेंसिएशन का मतलब। और इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ना, सीधी सी बात है, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। कोई भी फॉर्मूला इसका उठा के देख लो, समझने के लिए चीज, इसमें इंक्रीज होगी, सीधी सी बात, कोई भी फॉर्मूला उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो मतलब डेली लाइफ के यूज की बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की या फिर कहो रिमार्क्स की बात करेंगे, जो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।